हेलो, गुड मॉर्निंग। आज ये बंदा अपनी खूबसूरत सी बीवी और अपने बेटे को मनाने आया है और दोनों को अपने साथ लेके ही जाऊंगा। सो प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलिए। हेलो, अजीब सी बात है, खोल ही काट दिया। अच्छा, तो तुम इतनी सुबह सुबह कोमल को लेने के लिए आए हो? जी अंकल। अपने जहन से ये ख्याल निकाल दो, तुम्हारी वजह से वो पागल बन गई है। वो सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती है, ना किसी से मिलती है, ना किसी से बात करती है। अंकल, आप ठीक ही समझ रहे हैं। कोमल की इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद को ठहराने से इनकार नहीं कर रहा, मगर आज भी उनकी हालत को सुधरने आया हूं। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। और हाँ, ये हकीकत भी मान लो कि वो तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। तो फिर क्या करूँ? तुम दोनों के लिए ये बेहतर होगा कि तुम उसे तलाक दो। ये लो पेपर, इस पे साइन कर देना। अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारे बच्चे की मुस्तकबिल का सवाल है। उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, वो हमारी जिम्मेदारी है। अब तुम जा सकते हो। सोचा था मैंने कि तेरा ही बन के रहूं, क्या हो गया है, बिखर सा गया है जुनून। थोड़ी सी रुसवाई है, थोड़ा गम जुदाई है। खुदा तुझसे क्या मैं। इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं होता। जब किस्मत साथ ना दे तो बांधे हुए रिश्ते भी बेबस है। जीत जाए बस ये दुआ है मेरी। तू भी अकेला है, तन्हा हूँ मैं भी यहाँ। न जाने ये तन्हाई ले जाएगी अब कहाँ। हाथों में तेरे लिखा नाम एक अजनबी का।